आवाज आ रही है ओके हेलो आई थिंक अब वॉइस क्लियर है आपको ओके तो वीडियो को जल्दी से शेयर करो अपने hmm. <clears throat> सभी साथियों को ले आइए ताकि क्लास फॉर्म स्टार्ट कर सके आप में से जो भी लर्नर आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं या मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मेरा नाम है कृतिका पारेक अन अकेडमी पे मैं एजुकेटर हूँ आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं एन टी नेट कैटेगरी में पढ़ाती हूँ पेपर वन की भी क्लास लेती हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है पेपर टू ज्योग्राफी में यूजीसी जी टेन है मेरा रेफरल कोड इसी कोड की मदद से आप अन अकेडमी पर अपने प्री क्लास को अनलॉक कराने के लिए भी मदद ले सकते हैं ये आपका इनवाइट कोड भी है और मेरे साथ में जब आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जुड़ते हैं तो वहां पर आपको एक बहुत ही यूनिक वे से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाती हूँ इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं जानी जाती हूँ तो आप लोग अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन लर्निंग ऐप पे बता दूं आप लोगों को कि कल दो, कल एज जैसा कि है वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे नाइट में 9 पीएम मैं लेती हूं आपका मॉक टेस्ट तो वो 9 पीएम पे, पे अपना होने वाला है कल पेपर वन का मॉक टेस्ट तो अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो जल्दी से क्लास को एनरोल करवा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट ये होने वाला है इस मॉक टेस्ट की विशेषता ये रहेगी पचास क्वेश्चन होंगे एक घंटा होगा सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव क्लास में देने होंगे जिससे आप इवेलवेट कर पाएंगे खुद को कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है तो जो भी इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनना चाहता है अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि हमारा एवेल्युएशन हो तो उसके लिए करना क्या है आपको कि सिंपल सी बात है अपने फोन में अनअकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो क्योंकि ये ऐप पे होगा टेस्ट ठीक है ऐप पे इंस्टॉल कर लो अनअकेडमी लर्निंग ऐप वहां पे जाके अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा यू जी इसके बाद में मेरी प्रोफाइल है कृतिका पारे नाम से जिसे फॉलो करके आप मेरी क्लासेस को एनरोल करा सकते हैं और एनरोल कराने के लिए आपको अगर पहली बार आप जाएंगे तो एक कोड लगाना पड़ेगा कोड और अगर जो है तो वो भी ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के बाद में मेरा पेपर वन का नया बैच आ रहा है जिसमें मैं स्टार्टिंग कर रही हूं कम्युनिकेशन से तो अगर मेरे साथ में जुड़ना है तो पेपर वन और पेपर टू दोनों का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है आइकॉनिक या प्लस एज यूजल आप जानते हैं कि आइकॉनिक

चलेगा इस थैंक यू वेरी मच स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे हाँ आज वर्ल्ड टीचर्स डे है <coughs> अपना कल तक का कहां हो गया था ओके okay, तो अपन ने ये कर लिया था कि मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following disease reduce the age of laborers working in coal mine that and that disease is called black lung disease Batayye. थैंक यू थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू वेरी मच भारती जी प्रीतु जी सानिया जी सोनू जी राजिया जी स्मिता जी सबको जो भी है सॉरी सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है बट जो भी है थैंक यू वेरी मच दिल से धन्यवाद सी क्या होता है राइट आंसर क्वेश्चन को देखना था कौन सी बीमारी कोयले की खान में मतलब स्पेसिफाई किया गया है कि वो बीमारी कोयले की खान में काम करने की वजह से उन लेबर्स को हो, हो रही है और इसको क्या बोला जाता है ब्लैक लंग क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोयले में की खान में अगर कोई भी काम करेगा तो जो पीएम होगा पर्टिकुलर वो बॉडी में जाएगा और लंग्स को खराब कर देगा न्यूमोकोनियोसिस प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस आपके मेस्टोथ मेस्टोथिलियमिया एंड नन ऑफ दीस तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए न्यूमोकोनियोसिस सी आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या होता है इज इज कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारे नॉर्मल लंग्स और जब भी न्यूमोकोनियोसिस होता है तो कुछ इस तरीके की आपकी डिजीज यहाँ पे शो होती है तो देखिए न्यूमोकोनियोसिस कुछ प्रकार के धूल कण में सांस लेने के कारण होने वाली फेफड़ों की एक बीमारी है अब देखिए बीमारी कैसे होगी एक बात साफ है कोल माइंस में कोई काम करेगा तो उसको कोल को काटना भी पड़ेगा कोल को जलाना भी पड़ेगा तो जो आपके सॉलिड पार्ट पॉल्यूटेंट्स होते हैं तीन कैटेगरी होती है पॉल्यूटेंट्स की लिक्विड गैस एंड सॉलिड सॉलिड पॉल्यूटेंट जिसे हम पीएम के नाम से भी जानते हैं जैसे आपके ब्लैक कार्बन हो गया या आपके फ्लाई एच हो गया या छोटे छोटे कोयले के ही कण हो गए जब वो आकाश में उड़ते हैं तो सांस लेते वक्त वो ह्यूमन बॉडी में भी चले जाते हैं वो किसकी बॉडी में जाएंगे जो माइन में काम करेगा और वो वर्कर ही होगा तो उस वर्कर की बॉडी में चले जाते हैं लंग्स में चले जाते हैं लंग्स में जाके जम जाते हैं उससे जो बीमारी होती है उसको ब्लैक लंग डिजीज या न्यूमोकोनियोसिस भी बोला जाता है आपकी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि ब्लैक लंग डिजीज किस टाइप की पॉल्यूटेंट से होती है लिक्विड सॉलिड गैस तो आपको सॉलिड करना है एक सवाल यह भी बन सकता है कि ब्लैक लंग डिजीज का दूसरा नाम क्या है सिलिकोसिस फेब्रोसिस न्यूमोकोनियोसिस नन ऑफ ऑफिस आपको करना है न्यूमोकोनियोसिस होती है ब्लैक लंग डिजीज के पीछे किस आ, किस आ, मूल स्रोत से होती है तो वो आपके कोयले से होती है ठीक है तो एक क्वेश्चन है पर इससे चार सवाल आपके बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं आपको इन धूल धूलकंड का केवल कार्यस्थल में सामना करने की संभावना है न्यूमोकोनियोसिस को एक व्यवसायी फेफड़े की बीमारी भी कहा जाता है न्यूमोकोनियोसिस को आमतौर पर विकसित करने में सालों लग जाते हैं इसको ऑक्यूपनल लंग डिजीज भी बोला जाता है देखिए इस एक बीमारी है पर इसके नाम काफी हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें टाफट से ओके तो देखिए यहां पे बीमारी एक है पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी बोल सकते हैं ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं न्यूमोकोनसिस भी बोलते हैं तीन नाम तो इसके यहां पे हो गए वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आने लग गए हैं पीएम टेन एंड पी एम टू पॉइंट फाइव आर फॉलोइंग फूड सेफ्टी एयर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखिए इस हमेशा याद रखना पॉल्यूशन की जहां बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण में तो वैसे सब कुछ आ गया पर हम क्या करते हैं इसको कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं जैसे नॉइज एयर सॉइल वाटर सारे आपके पॉल्यूटेंट हैं तो पीएम जो होते हैं वो एनवायरमेंट में मौजूद कुछ ऐसे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में वो सांस लेते वक्त चले जाते हैं आप लोगों को पता होगा दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे रूम में हॉल में कहीं पे भी जब धूप की रोशनी सूरज की रोशनी आती है तो वो जिस एरिया में सूरज की रोशनी आ रही होती है ना उस एरिया में छोटे, छोटे 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 पार्टिकल्स हमें दिखते हैं उसके जहां सूरज की रोशनी नहीं है वहां नहीं दिखेंगे पर जहां रोशनी आ रही है वहां दिखेंगे आई थिंक काफी लोग इस बात से एग्री करेंगे ठीक है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो सूरज वाली जगह पर ही है सभी जगह पे होते हैं तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो हमारी नजरों में बहुत रेयरली आते हैं उससे भी छोटे साइज के पार्टिकल्स एनवायरमेंट में होते हैं जिसको हम लोग पर्टिकुलरेट मैटर बोलते हैं पीएम ठीक है PM, और वो जो पीएम होता है वो सांस लेते वक्त अपनी बॉडी में चले जाते हैं तो देखिए पीएम रेफर टू दर्टिक पर्टिकुलरेट मैटर पार्टिकल्स इन द एयर दो पार्टिकल्स आर थिंग्स लाइक ऑर्गेनिक डस्ट एयर बॉन्ड बैक्टीरिया Construction dust and coal particles from low power plant. The 10 and 2.5 referred the microns, A.K.A. micrometer. Microns are tiny. Here is the idea how small microns are compared to human hair. देखिए अब यहाँ पे एक बात ये कर सकते हैं कि अपन मानव का जो बाल होता है ना माइक्रोन जो होता है वो मानव के बाल से भी छोटे होते हैं थिकनेस में तो देखो ये होते हैं आपके पीएम टू पॉइंट फाइव पीएम टेन अपनी बॉडी में चले गए और यहाँ पे जाके क्या हो गए ये देख रहे होंगे आप छोटे छोटे डॉट्स ये यहाँ पे जाके जम जाते हैं और इसी से आपके क्या हो जाता है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे जैसे सिलिकोसिस हो गया न्यूमोकोनियोसिस हो गया ये सारी बीमारियां हो जाती है मैं मुझे लगा मुझे ही दिखता है बस क्यों आप दूसरे गोले से आए हैं सभी को दिखता है ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड बाय हु बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूनेस्को डब्ल्यू एफ एफ United Nations and International Union, Conservation, International Union for Conservation of Nature अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है सबसे पहले पता होना चाहिए कि अर्थ आवर है क्या देखिए मिक्स आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थ आवर मनाया जाता है आपके डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इट मीन्स वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ठीक है यह आपके वर्ल्ड वाइड फंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से मनाया जाता है बेसिकली अर्थ आवर है क्या तो देखिए अर्थ आवर द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है यह आयोजन साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक एक घंटे के लिए गैर जरूरी इलेक्ट्रिक लाइटों को बंद करने के लिए व्यक्तियों समुदायों और व्यवसायों को प्रोत्साहित करते हुए आयोजित किया जाता है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो आप सोचिए पूरे विश्व में अगर एक घंटा लोग अननेसेसरी पावर को अगर ऑफ कर दें तो बहुत सारे दिनों की अपनी स्टोरेज हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की इसका एग्जाम्पल आपने अभी इंडिया में भी देखा होगा जब इंडिया में आपको याद हो कोविड जब स्टार्टिंग थी कोविड की ट्वेंटी ट्वेंटी स्टार्टिंग में तब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए गए थे फॉर एग्जाम्पल कि रात को दीपक जलाया जाएगा एक दिन ऐसा रखा था कि रात के नौ बजे सभी लाइटें बंद हो जाएगी और दीपक जलाया जाएगा ये था ना तो उसका उद्देश्य एक ठीक है लोगों के मन में थोड़ी पॉजिटिविटी और उनको थोड़ा सा इंथुजिया टिक बनाने के लिए था बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अपने पावर प्रोजेक्ट पर भी पड़ा ही होगा लोगों को बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पन था वो उस वक्त कम रहा होगा स्टोरेज हुई होगी इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही ग्लोबल लेवल पे अर्थ आवर मनाया जाता है जो साढ़े आठ से साढ़े नौ होता है वर्ल्ड वाइड फंड इसको एगोराइज कराता है और ये पूरे दुनिया के अंदर ये होने वाली एक मुहिम है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है उसको किसी हद तक दूर किया जा सके ये हाइलाइटर से वर्ड नहीं दिखता है तो स्लाइड ब्लैक है, तो है और अगर अपन मान लिए स्लाइड व्हाइट कर दी तो शब्द अपने आप ब्लैक हो जाते हैं लेकिन ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता है येलो कलर येलो ही रह गया इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी बट आई थिंक हाईलाइटर लगाने से आपको दिख जाएगा नहीं ये तो और गया पूरा गया है तो Uh, ये वर्ल्ड वाइड फंड है ये देख लो आप स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ताजमहल इज मेनली थ्रेटेड बाय द डिटरियस इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गुड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल की बात आई है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है मेनली थ्रेटेड बाई इफेक्ट्स ऑफ तो वो सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर यहां पर देखिए ताजमहल का जो रंग है वैसे इतना पीला नहीं है जितना इमेज में दिखाया गया है ताजमहल के ऊपर वैसे हर साल काम चलता रहता है आप कभी भी ताजमहल में चले जाना उसके ऊपर काम चलता ही रहेगा कभी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि कोई 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 कंस्ट्रक्शन या भी भी किसी भी तरीके का कोई, आ, आ, जिसको अपन बोल सकते हैं मरम्मत कुछ सब कुछ चलता रहेगा वहां पे तो अगर येलो कलर की बात करें उसकी तो उसका मेन रीजन क्या है द आउटर सरफेस ऑफ द ताजमहल टर्निंग येलो इज मोस्टली ड्यू टू इटमोस्टर एक पोल्यूशन एंड ऑल्सो ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू मथुरा रिफाइनरी देखिए पे साफ मेंशन किया गया है कि मथुरा रिफाइनरी की वजह से इज इन ए दे हैव बीन डूइंग केमिकल वॉश टू गेट द वाइटनेस ब्लैक बट इट इज अलिक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे वापस पाने के लिए उसमें वापस से प्रयास किए जा रहे हैं तो इसका जो मेन रीजन है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्यों इसको नुकसान पहुंचाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन अम्ल वर्षा की वजह से Right. अम्ल वर्षा की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है मथुरा रिफाइनरी से क्या निकल रही है एसो निकल रही है वही एसो एनवायरनमेंट में मिक्स होती है बादलों के साथ में मिक्स होती है और जब उन बारिश होती है तो व्हाइट चीज आपको पता है कि वो हर कलर को कैच करता है ब्लैक जितना रफ एंड टफ कलर है व्हाइट उतना ही नखरे नखरे वाला कलर है उसको कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती उस पर कुछ भी डाल दो वो अपने आप शो कर देगा सब कुछ तो क्योंकि ताजमहल पूरी तरह से प्योर व्हाइट है तो एसिड्रेन जब होती है तो एसओ टू जब निकलती है तो डेफिनेटली कलर को चेंज करेगी और वो जो कलर चेंज हो रहा है वो येलो है और एसओ टू इसका मेन रीजन है एसिड रेन की वजह से एसिड रेन किसके विजय हो रही है मथुरा रिफाइनरी की वजह से गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन करेक्ट आंसर सबसे पहले आ चुके हैं हमारे पास में द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द डेजर्ट ऑफ राजस्थान देखिए इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है और ये राजस्थान में पाया जाता है और एक चीज और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है जिसको गोडावन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे गोडावन नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि जो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये ठीक है ये इसका नाम हो सकता है बट ये राजस्थान में पाया जाता है राजस्थान में ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और इसको राजस्थान की राज्य भाषा में गोडावन के नाम से जाना जाता है मतलब हिंदी में अगर आप इसको बोलोगे तो ये गोडावन कहलाता है ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे एक मिनट में आपको जूम करके बता दू ये देखिए इसको बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैसे नाम क्या है ऑडोसिस नाइग्रेसिप्स बस्टर्ड परिवार का बड़ा पक्षी है जो दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है महान भारतीय बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप पर सूखे घास के मैदान और स्क्रबलैंड में निवास करते हैं सबसे बड़ी आबादी भारतीय राज्य राजस्थान में पाई जाती है बट आज की सिचुएशन ये है दोस्तों राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने सबसे पहले इंडियन बस्टर्ड को बचाने के प्रयास किए थे क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे जैसे अपने देश में बहुत सारी प्रजातियां लुप्त तो होती जा रही है तो उसी में एक बस्टर्ड भी है बस्टर्ड पहले जितना राजस्थान में होता था वो नहीं है और बीच में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि राजस्थान में एक भी बस्टर्ड राजस्थान में काफी कम बस्टर्ड पड़े थे और बाहर से मंगवाने पड़े थे ठीक है तो इनको लेकर के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी नई स्कीम भी शुरू करी है तो अगर आपके सवाल बने कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को बचाने के प्रयास में योजना लागू करी थी तो वो राजस्थान होगा अभी इनकी तादाद इतनी नहीं और ये ज़्यादातर राजस्थान के पश्चिमी इलाके मतलब सूखे इलाकों में पाया जाता है सॉरी मुझे पता नहीं था कि मैं दिख नहीं रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन द सागर मध्य नेशनल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक बताएं करेक्ट आंसर है वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा देखिये कंचनजंगा कहाँ पे आता है दोस्तों the, पहले वैसे अगर मैं आपकी बात करूं सॉरी कंचनजंगा नहीं आएगा यहाँ पे आएगा माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर अब इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय की मोस्टली जितनी भी दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है सागरमथर राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के हिमालय में एक संरक्षित क्षेत्र है माउंट एवरेस्ट सहित बर्फ से ढके पहाड़ों पर हावी है और ग्लेशियरों घाटी और ट्रेल्स को घेरता है हिम तेंदुए कस्तूरी लाल पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियों का ये घर है कई शेरपा लोग यहाँ रहते हैं टोंगो बोचो मठ जैसे बौद्ध स्थलों पर प्रार्थना करते हैं गोक्यो झील प्रवासी जलप्रपातों के लिए जानी जाती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सागर मंथर नेपाल के अंदर ये आता है माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जाना सॉरी माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट होगा आंसर कंचनजंगा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया कंचनजंगा सिक्किम में है मैं बात कर रही हूं माउंट एवरेस्ट की जो नेपाल में है आज की डेट में अन्नपूर्णा धौलावीरा सारे इंडिया में है कंचनजंगा अन्नपूर्णा धौलावीरा इंडिया में है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है बहुत ही इजी बट ट्रिकी क्वेश्चन और जिसमें ऑप्शन आपको सारे दे दिए जाए मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र अब तो थोड़ा और हो जाते हैं हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं काफी लोग मध्य प्रदेश और बिल्कुल सही मध्य प्रदेश ये देखिए ये यहाँ भी गए हैं आप लोगों को देखते देखते कि मेरा नाम ले रहे थे क्या मुझे इन्होंने सोचा अच्छा मुझे याद कर रहे थे क्या तो मैं आ जाता हूँ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर फाइव टू सिक्स इन द एज ग्रुप ऑफ वन पॉइंट फाइव ईयर विद मोर देन टू जीरो फोर जीरो बिग कैट्स अदर स्टेट विद सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंक्लूडेड उत्तराखंड अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे उत्तराखंड करेंगे उत्तराखंड में नहीं है तो तमिलनाडु महाराष्ट्र असम केरला एंड उत्तर प्रदेश ठीक है आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए अगला क्वेश्चन वट इज हाइड्रोफोन इज रिलेटेड टू हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है मतलब सभाजीत जी समझ ही नहीं सबको पढ़कर रखते हो क्या मतलब क्वेश्चंस की अगर बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस तो मैं ही लेकर आ रही हूं तो मेरा ऑब्वियसली पढ़ा हुआ रहेगा वो ओके okay, चलिए इस मूव पे इस पे एक बार देख लेते हैं अपन हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है अलॉट ऑफ प्लांट कल्चर वाटर कंजर्वेशन टल प्रोटेक्शन एंड स्टडी ऑफ वेजिटेशन वेजिटेबल आई थिंक देखिए दोस्तों ये जो कंफ्यूज करने का काम किया है बिल्कुल जहां पे अपन वर्ड आ जाता है ना हाइड्रो हमें लगता है हाइड्रो मतलब H2O, H2O का मतलब पानी तो पानी का कर दो तो बस गाइड एक चीज और मैं बता दू आपको पानी यहाँ पे नहीं होगा ना ही यहाँ पे प्लांट कल्चर होगा बचा आपके सामने क्या सीओ डी तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक सी चीज है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सब्जियों का अध्ययन वेजिटेबल स्टडी ऑफ वेजिटेबल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो ना बिल्कुल ये यहां पे डी आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें कल्चर अरे एक अच्छा जैसे आपका नाम रवि है ऐसा थोड़ी है कि आपका घर पे भी नाम रवि होगा भी तो तो हो सकता है ना तो ऐसे ही किसी भी चीज की स्टडी को अगर बात किया जाए तो वो प्लांट होता है उसको उगाना कल्चर का नाम बोला, बोला जा सकता है ठीक है पालन यहाँ पे स्टडी हो रही है डिफरेंस है दोनों में जवाई मीनस अगर कोई राजस्थान से है तो इस चीज को समझेगा देखिए गाइज जवाई जवाई मीन्स सन इन लॉ सन इन लॉ का मतलब बेटी का पति जिसको हम हमारी नेशनल टेलीविजन की भाषा में दामाद जी बोलते हैं है ना वो तो जवाई का मतलब क्या होता है इन विच स्टेट आर द जवाई फॉरेस्ट तो जवाई जो शब्द है वो एक मारवाड़ी शब्द है और काफी जगह पे इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है तो वो आपके राजस्थान के अंदर आएगा जवाई के जंगल राजस्थान भीलवाड़ा के अंदर आते हैं जी आप ये कर देना ओके यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ बिल्कुल द ग्रीन इकोनॉमी इज हिटेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन एंड आई यूसी करेक्ट आंसर बताइए भेड़ चाल का हिस्सा ना बनिए इंडिविजुअल आंसर कीजिए अच्छी बात है करेक्ट आंसर यहाँ पे सही है आपका आपका यू एन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में आपके आता है ग्रीन इकोनॉमी प्रोग्राम ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बहुत सारे सवाल है बहुत सारे सवाल है बट आप कब करेंगे सवालों को कल आज के सवालों के लिए इतना ही और मैं उन साथियों को फिर से बता दूं दोस्तों कल वेडनेसडे है कल अन अकेडमी पर अपना होने वाला है मॉक टेस्ट रात को नौ बजे जो भी हम ढूंढना चाहते हैं इस मॉक टेस्ट में पचास क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे पेपर पे सेट है मेरा उसी पैटर्न पे आपको टाइम दिया जाएगा और उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइन में अपना मेन एग्जाम देने से पहले ये प्रैक्टिस आपको मस्ट है ये प्रैक्टिस होने वाली है अनअकेडमी लर्निंग ऐप पे करना सिर्फ इतना है कि अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप है तो मेरे को फॉलो कर लो और अगर नहीं है तो सबसे पहले पहलाडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर पर जाकर एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी सेलेक्ट करो वहां पे कृतिका पार्क के नाम से कुछ ऐसी मेरी प्रोफाइल होगी उस प्रोफाइल को आपको फॉलो करना है और क्लास को अनलॉक कराते वक्त यूजीसी टैन कोड अप्लाई कर देना है ठीक है इससे आपको सीधा मॉक टेस्ट मिल जाएगा इवन उसका पीडीएफ भी मिलेगा वहां पे तो यहाँ पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है वहां होता है और जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों का सब्सक्रिप्शन गाइज बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है लीजिए या प्लस लीजिए बस कोड याद रखिएगा मेरा रेफरल कोड है यू जी सी टेन अकेडमी का कोई डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाता है और मेरे साथ में आप प्राइस हाइक से पहले जाएं, एवरी जाए न्यू बैच आ रहे हैं उनको ज्वाइन कर ले और अपने मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाए कल रात को नौ बजे कल दो मॉक टेस्ट है ज्योग्राफी का भी कल ही है और पेपर वन का भी है ज्योग्राफी का होगा दो बजे और पेपर वन का होगा रात को नौ बजे दोनों के लिए आपको एन अकेडमी पर एनरोल करानी पड़ेगी क्लास क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जहां से आप यूजीसी टेन कोड की मदद से एनरोल करवाएंगे क्लास को थैंक यू वेरी मच एवरी आज की क्लास के लिए बहुत अच्छी लगी आज की क्लास कल आप लोगों से मुलाकात होगी साढ़े बजे तब तक के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आप दबाई दोगे इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे